तस्वीरें देख रहे हैं आप, वोट डालने के बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव पोलिंग बूथ से बाहर निकले हैं, मीडिया का वहां पर जमावड़ा, और बाहर आने के बाद क्या मीडिया से बात करेंगे, कुछ कहेंगे, इसी का इंतजार है। मैनपुरी से आप जानते हैं डिंपल यादव जी इस बार समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, वोट डाल दिया अखिलेश यादव ने, पत्नी के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए, और वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर की ओर आते हुए अखिलेश यादव को आग देख रहे हैं। तो कुछ फासले पर आकर क्या मीडिया से बात करेंगे, जो नियम होता है कि 100 मीटर की दूरी जरूरी होती है, अगर आपको मीडिया से बात करनी है पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, उसी के अनुरूप यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फासले पर जाकर मीडिया से हो सकता है कुछ बात करें अखिलेश यादव। वैसे आज के दिन अमूमन नेता जो है वो वोट डालने के बाद लोगों से अपील एक ही करते हैं कि आप घर से बाहर निकलिए और बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होइए, शिरकत कीजिए। तो इसी की कोई अपील अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी क्या, इसका हमें इंतजार है। फिलहाल मैनपुरी की ये लड़ाई, जहां पर परिवार की सियासी विरासत आगे बढ़ाने के लिए बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में, ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये मैनपुरी सीट उपचुनाव में यहीं से सांसद चुनी गई डिंपल यादव, और अब एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने डिंपल यादव को ही चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी यहीं मौजूद हैं, जरा लेकर चलते हैं आपको संजय त्रिपाठी के पास और जानते हैं, संजय वोट डाल दिया अखिलेश यादव डिंपल यादव ने, मीडिया से बात करेंगे क्या? अच्छा, बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम है, ठीक है संजय। मतदान केंद्र से जो मीडिया के लोग हैं उनका जो अपना फोटो आईकार दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ मतदान करने के बाद उन्हीं पर लगी कड़ी भी दिखा रहे हैं, उनके साथ डिंपल यादव मौजूद है और परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। अभी जो अखिलेश यादव अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ निकल करके उसके बाद सदस्यों के साथ में निकल करके मतदान करके आए, उसके बाद बाहर निकलते हुए उनका कुछ अधिकारियों से कहा सुनी भी हुई, ऐसी जानकारी मिलती है कि कुछ लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा, ऐसी शिकायत थी जिसके बाद में अखिलेश यादव ने वहां मौजूद अफसरों से बात भी की है और उनसे कहा कि किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। तो अभी अखिलेश यादव मतदान करके आए हैं, उनके परिवार के कई सारे सदस्य भी आए हैं और इस वक्त अखिलेश मीडिया से अपनी बात कहने के लिए बैठे हुए हैं, यहां कई सारे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो रोमाना मैं कहूंगा ये अखिलेश यादव इस वक्त बोल रहे हैं, हमें उनको सुनना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। ऑडियो चेक करवा रहे हैं भैया, अखिलेश यादव जो हैं आवाज नहीं आ पा रही है माइक में, देखिए वोट डाल दिया अखिलेश यादव ने, साथ में पत्नी डिंपल यादव नजर आ रही है। और जैसा कि संजय हमें बता रहे थे, हाथ में वोटर आई कार्ड है, वो स्याही लगी उंगली का निशान भी उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिखाया है, और पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए कुछ अधिकारियों से जो पोलिंग बूथ कर्मी थे उनसे कुछ कहा सुनी हुई है अखिलेश की, सुनते हैं। साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है, और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं, हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने, तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है ये एक महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम
और आप बातचीत कर रहे हैं और अब गारंटी लेकर के आए हैं, ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है, जुमला धोखा झूठी का नाम गारंटी है। ना किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में ना नौकरी है ना रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है, हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज, और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है, उन मुनाफे से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ले रहे हैं वो और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है, 2014 में कोई चीज़ किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है, ये सब मुनाफा ज़्यादा कमाने देने लोगों को, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है, और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है, और फिर हमने कई मौक़ों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने, 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे तो 60 × 3 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम हो गया। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही हैं, जबरदस्ती कर रही है सरकार, यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं, सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज़्यादा, और जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को, गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कुछ हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है, हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं, और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है, हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान नौजवान व्यापारी हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। देखिए आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान रहें, और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है, जो गलत है वो गलत है। और आपने विजुअल्स देखे हैं, जो गलत है वो गलत है। समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे हो। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी ज़रूरत की चीज़ महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही, और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है, सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या MSP पे सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की MSP पे खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को MSP नहीं दे पाई, और 1000 से ज़्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई,
इन लोगों ने किसान पर थार चला दी। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 1,00,000। और ये जो खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे, सुन लीजिए, ये खाकी वर्दी वाले अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये जो खाकी वाले गुस्सा भी दिखा रहे हैं या जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी बीजेपी वाले 3 साल में कर देंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं वो आउटसोर्स हो जाएं।